नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रमजीत सिंह आप सभी का NIOS के स्टूडियो में स्वागत करता हूं। आज हम सब कोर्स कोड 504 के अंतर्गत प्रारंभिक स्तर पर गणित शिक्षण का 5E आधारित अनुदेशन प्रतिमान पर चर्चा करेंगे। 5E आधारित अनुदेशन प्रतिमान रचनावाद के सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रणाली है। इसे वर्तमान के सबसे विशिष्ट या अभिनव शिक्षण अधिगम या इनोवेटिव मेथड के रूप में जाना जाता है। यह प्रमुखतः एक छात्र केंद्रित अधिगम प्रणाली पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रणाली है, अर्थात वर्तमान में जो छात्र केंद्रित अधिगम प्रणालियां प्रयोग में आ रही है उसमें से एक प्रमुख विधि के रूप में 5E आधारित अनुदेशन प्रतिमान का प्रयोग होता है। इस अनुदेशन प्रतिमान को पहली बार जीव विज्ञान पाठ्यक्रम अधिगम बायोलॉजिकल साइंस करिकुलम स्टडी के रोजर बाइवे ने 1987 में प्रस्तावित किया था। इसमें 5E जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के 5E को दर्शाते हैं, इनका मतलब है पहला ई एंगेज को दर्शाता है अर्थात संलग्नता, दूसरा ई एक्सप्लोर को दर्शाता है अर्थात अन्वेषण या खोज, तीसरा ई व्याख्या को दर्शाता है अर्थात एक्सप्लेन, चौथा ई विस्तार या इलाबोरेट को दर्शाता है एवं पांचवा ई मूल्यांकन को संबोधित करता है अर्थात इवैल्यूएशन। इस प्रकार 5E का अर्थ हुआ एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलाबोरेट एंड अंत में इवैल्यूएशन। अब हम इस अनुदेशन प्रतिमान के विभिन्न चरणों को अलग अलग करके जानने की कोशिश करते हैं। इसमें पहला चरण एंगेज या संलग्नता का होता है। इस चरण में छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया जाता है, अर्थात छात्र क्या जानते हैं, उनकी पूर्व जानकारियां क्या क्या है, उनकी पूर्व समझ क्या क्या है, उससे जानने का प्रयास किया जाता है। उन्हें नए अधिगम परिस्थितियों से जोड़ने या संलग्न करने का प्रयास किया जाता है, अर्थात हम नया में क्या सीखने जा रहे हैं उसके लिए उनके अंदर रुचि उत्पन्न की जाती है, उनकी रुझान को और बढ़ाया जाता है। इसके लिए अगर संभव हो तो कुछ ऐसी गतिविधियां जो कि छात्रों में जिज्ञासा एवं नए ज्ञान के लिए अभिरुचि तैयार करे को प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात शिक्षक इसमें कुछ गतिविधियां भी करा सकते हैं जिसके कारण या जिसके द्वारा बच्चे में अभिरुचि तैयार हो, वे नए विषय वस्तु को समझने के लिए प्रेरित हो जाएं, यह सब कराने का प्रयास किया जाता है। उनमें नए अधिगम अनुभव के लिए चिंतन की प्रक्रिया का आरंभ करने का प्रयास कराया जाता है, अर्थात वह यह सोचना आरंभ करते हैं कि उन्हें नया क्या सीखने को मिलेगा। छात्रों के मानसिक अवस्था में नए ज्ञान के सृजन की स्थितियां उत्पन्न कराई जाती हैं, अर्थात ऐसी स्थितियां जिससे वो नए ज्ञान का सृजन कर सकें इसके लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है, उन्हें इसके लिए उत्साहित किया जाता है। इसके साथ छात्रों को नए अधिगम के रूपरेखा को प्रस्तुत कराना जिससे छात्र पूरी रुचि के साथ नए अधिगम अनुभव के लिए प्रस्तुत हो सके ये कराया जाता है, अर्थात वो आज क्या करने वाले हैं उसका एक डिज़ाइन, उसका एक रूपरेखा उन्हें अवगत कराया जाता है जिससे कि वह पूरी रुचि के साथ उस अधिगम प्रक्रिया में शामिल हो सके। इस प्रकार इस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में दूसरा चरण अन्वेषण या खोज का होता है, जिसे कि हम एक्सप्लोर के नाम से जानते हैं। अन्वेषण या खोज में छात्रों को विभिन्न खोजों एवं अधिगम अनुभव के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करने की प्रक्रिया में संलग्न कराया जाता है, अर्थात वे पूरी स्वतंत्रता के साथ अधिगम अनुभव को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। उन्हें जो सहायक सामग्रियाँ प्रदान की गई है उनका वह प्रयोग करते हुए अपने अधिगम को उचित ढंग से करने की कोशिश करते हैं। इस चरण में ऐसे अनुभव जो कि विभिन्न प्रक्रियाओं के अवलोकन, वस्तुओं के जोड़ तोड़ या मैनिपुलेशन से चीज़ों का निर्माण, सिमुलेटेड वातावरण में काम करना,
विभिन्न वेबसाइट्स से जानकारियों को एकत्रित करना इत्यादि को शामिल किया जाता है। इस चरण में शिक्षक हमेशा ही एक सहायक की भूमिका निभाता है, अर्थात शिक्षक का काम यहाँ एक फैसिलिटेटर या सहायक की तरह होता है, अर्थात जब बच्चों को उसकी ज़रूरत पड़े या उससे वह कुछ जानकारी इकट्ठा करना चाहे तो वह छात्रों की मदद करेगा। छात्रों द्वारा गतिविधियों में सम्मिलित होकर नए ज्ञान को अर्जन किया जाता है। छात्र विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ करते हुए नए ज्ञान को अर्जित करते हैं। इसमें यह देखा गया है कि छात्रों को समूह में काम करने का आयोजन कराया जाता है, अर्थात उन्हें समूह में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। छात्र अपने अपने कार्य क्षमता एवं अपने स्वतंत्र कार्यशैली के अनुसार गतिविधियों को कर नए अधिगम अनुभव को प्राप्त करते हैं, अर्थात वे विभिन्न प्रकार से अपने अपने क्षमता के अनुसार अपने अपने कार्यशैली के अनुसार नए अधिगम अनुभव को प्राप्त करते हैं। छात्र शिक्षकों द्वारा दिए गए कार्यों को स्वतंत्र वातावरण में पूरा कर सीखते हैं, वे नए अधिगमों को प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात तीसरे चरण में हम व्याख्या या एक्सप्लेन को रखते हैं। इस चरण में छात्रों को अवधारणाओं के ऊपर अपनी समझ को प्रस्तुत करने का मौका दिया जाता है, अर्थात वो उन्होंने जो दूसरे चरण में एक्सप्लोर या खोज के द्वारा जो भी अवधारणाओं का ज्ञान अर्जित किया है उसे वह इस चरण में प्रस्तुत करते हैं। वे अपने अनुभव अपने समझ जो कि उन्होंने अन्वेषण के चरण में प्राप्त किया है या उन्होंने जो डिफरेंट प्रकार के साधनों के प्रयोग के द्वारा सीखा है उसे वे सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। इस प्रक्रिया में विचार विमर्श एवं चर्चाएं उनके विषय वस्तु पर पकड़ या समझ को और मजबूत बनाने में मददगार प्रक्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। छात्र अपने निष्कर्ष को दूसरे के साथ साझा करते हैं, अर्थात वे जो भी निष्कर्ष निकालते हैं उसे वे दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे से सीखने की प्रयास करते हैं। शिक्षक के निगरानी में छात्र चर्चा प्रस्तुत करते हैं, उन्होंने जो भी सीखा है उसके ऊपर चर्चा प्रस्तुत करते हैं। छात्रों की त्रुटियों का निवारण किया जाता है, अर्थात छात्रों ने जो भी सीखा है उसमें जो भी कमियां रह गई हैं उसका वह एक दूसरे से चर्चा करके या शिक्षक के सहयोग से उसका निवारण किया जाता है। छात्र विषय वस्तु पर अपनी संज्ञान को सुदृढ़ करते हैं, वे अपने विषय वस्तु पर अपने ज्ञान को और मजबूत करते हैं और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। इस अधिगम प्रक्रिया में चौथा चरण विस्तार या इलाबोरेट के नाम से जाना जाता है। विस्तार के चरण में छात्र को अपने ज्ञान अपनी समझ इत्यादि को नए परिस्थितियों में कार्यान्वयन करके दिखाना होता है। छात्रों के सामने विभिन्न चुनौतियां प्रस्तुत की जाती है, छात्र चुनौतियों को अपनाते हुए अपने ज्ञान को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। छात्र अपने समझ अपने कौशल इत्यादि को और अधिक बेहतर बनाने की प्रयास करते हैं। छात्र ऐसे गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं जिससे कि वे अपने ज्ञान को और बेहतर ढंग से बता सकें। छात्र अपने अधिगम अनुभव को वास्तविक एवं दैनिक जीवन से जुड़े हुए कार्यों में प्रतिफलित करके प्रस्तुत करते हैं। इस अधिगम के पाँचवें चरण में हम मूल्यांकन को पाते हैं, अर्थात इवैल्यूएशन को रखते हैं। मूल्यांकन 5E अनुदेशन प्रतिमान का अंतिम चरण होता है। इस चरण में छात्र स्वयं के अधिगम का मूल्यांकन करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या सीखा है। यह मूल्यांकन वह स्वयं भी कर सकते हैं, अपने सहपाठियों के साथ मिलकर भी कर सकते हैं। इस मूल्यांकन को शिक्षकों द्वारा भी कराया जा सकता है या शिक्षकों द्वारा भी किया जा सकता है। शिक्षक अपने छात्र का मूल्यांकन कर यह जानने की कोशिश करते हैं कि वे अपने अधिगम प्रक्रिया में कितना आगे बढ़े हैं। शिक्षक विभिन्न विधियों के द्वारा जैसे कि संप्रत्यय प्रतिमान निर्माण या कॉन्सेप्ट मैप के निर्माण के द्वारा, पहेली के द्वारा या क्विज करा के, रोल प्ले इत्यादि के द्वारा छात्रों का मूल्यांकन कर सकते हैं। मूल्यांकन के द्वारा हम यह तय कर लेते हैं कि छात्रों के अधिगम कराने में हमने कितनी सफलता प्राप्त की है। इस प्रकार हम 5E आधारित अधिगम के पांचों चरणों को देख लेते हैं। 5E आधारित अधिगम प्रतिमान के पांचों चरणों को जानने के बाद अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि इस 5E आधारित शिक्षण प्रतिमान में पाठ योजना का निर्माण कैसे किया जाए।
आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि इस पाठ योजना के निर्माण के लिए चरण लिखे गए हैं। इसमें सर्वप्रथम शिक्षक का नाम लिखा जाएगा और दिनांक को दिया जाएगा। इसके साथ साथ विषय जो हमारे लिए गणित है, गणित को लिखा जा सकता है। इसके बाद वे इकाई एवं शीर्षक लिखेंगे या किस टॉपिक पे वह पढ़ाने जा रहे हैं उसको लिखा जाएगा। इसके बाद किस कक्षा का संदर्भ है, किस कक्षा की इकाई है उसे लिखा जाएगा। इसके बाद के चरण में मुख्य संकल्पनाएं, विकसित किए जाने वाले प्रक्रिया कौशल इत्यादि को लिखा जाएगा, अर्थात की पॉइंट्स को लिखा जाएगा या प्रोसेस स्किल को लिखा जाएगा। इसके पश्चात हम जब अगले चरण को देखते हैं तो इसमें पाठ के उद्देश्य या अधिगम उद्देश्यों को लिखा जाएगा। यह हम अपने ट्रेडिशनल पाठ योजना में भी देखते हुए आए हैं कि वहाँ हम विशिष्ट उद्देश्य या सामान्य उद्देश्यों को लिखते हैं, इसी प्रकार इसमें भी हम अपने पाठ के उद्देश्यों को लिखेंगे। इसमें यह जानकारी दी जाएगी कि पाठ के अंत में छात्र क्या सीखेंगे, क्या करने में सक्षम होंगे। इसके पश्चात हम उन संसाधनों या सामग्रियों के बारे में लिखेंगे जो कि हमारे शिक्षण प्रक्रिया में सहायक होगी, जिसे कि हम टीचिंग एड्स या रिसोर्स मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल इत्यादि के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात उन रणनीतियों के बारे में लिखा जाएगा जो रणनीतियां हम अपने 5E अधिगम के दौरान प्रयोग करने वाले हैं। समानतः हम समूह में कार्य को प्रोत्साहित करते हैं, बच्चे विभिन्न समूहों में कार्य करके इसमें सीखने का प्रयास करते हैं। इन सब चरणों को लिख लेने के बाद हम 5E के विभिन्न चरणों में संदर्भों को लिखते हैं, जैसे कि पहला चरण संलग्नता के चरण में हम यह वर्णन करने की कोशिश करते हैं कि हम छात्रों में कैसे रुचि का ध्यान रखेंगे या कैसे उनमें रुचि को उत्पन्न करेंगे, इन बातों को यहाँ रखा जाता है। और फिर हम अपने टॉपिक को कैसे परिचय देंगे इसके बारे में भी बताया जाता है। इसके साथ साथ छात्रों को नए अधिगम के लिए कैसे तत्पर किया जाएगा यह भी लिखा जाता है। इन सब बातों को लिखने के पश्चात हम दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं। दूसरे चरण यानी एक्सप्लोर के चरण में हम किन किन बातों को लिखते हैं, तो इसमें हम वर्णन करने की कोशिश करते हैं कि किन किन क्रियाकलापों द्वारा छात्र अधिगम को ग्रहण करेंगे, छात्र समूह में किस प्रकार की गतिविधि कर रहे होते हैं उनका उल्लेख किया जाएगा, मुख्य संकल्पनात्मक प्रश्न सूची बनाई जाएगी जिनका शिक्षक छात्रों को प्रोत्साहित करने या ध्यान केंद्रित करने के लिए उपयोग करेंगे, इसको भी रखने का प्रयास किया जाएगा। इसके पश्चात व्याख्या का चरण या एक्सप्लेन चरण लिखा जाएगा। एक्सप्लेन चरण में हम किन किन बातों को रखेंगे, छात्र को अपने अनुभव को नई अवधारणा से जोड़ने में सहायता करने के लिए आप किन प्रश्नों या तकनीक का उपयोग करेंगे, इसको लिखने की कोशिश की जाएगी। छात्रों द्वारा समूह में कार्य करते हुए अर्जित किए गए अधिगम अनुभव को सबके सामने कैसे प्रस्तुत करेंगे यह बताया जाएगा। उच्चतर विचार वाले प्रश्नों की सूची बनाई जाएगी, अर्थात हॉट्स या हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले प्रश्नों की सूची बनाई जाएगी, जिनका उपयोग शिक्षार्थी से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए किया जाएगा और उनके व्याख्याओं को सही ठहराने के लिए या उसमें सहयोग प्रदान करने के लिए जिन प्रश्नों का प्रयोग किया जाएगा वह सब लिखा जाएगा। अर्थात इस चरण में हम मुख्यतः बच्चों के अध्ययन में सहायता करने का कोशिश करते हैं या वे किस प्रकार अपने ज्ञान को सबके सामने रख पाएंगे इसके लिए सुझाव लिखा जाता है। इसके पश्चात विस्तार या इलाबरेट का चरण आता है। इसमें हम यह वर्णन करते हैं कि छात्रों की सार्थक अधिगम की अवधारणा कैसे प्राप्त होगी, क्या सीखने का अनुभव प्रदान किया जाएगा और यह छात्रों की टिप्पणियों से कैसे जुड़ जाएगा, यह ज्ञान कैसे हमारे दैनिक जीवन में लागू होगा इसकी भी व्याख्या की जाएगी। अंत में मूल्यांकन का चरण होता है। उस मूल्यांकन के चरण में हम मुख्यतः छात्रों का कैसे मूल्यांकन करेंगे, या स्वमूल्यांकन होगा या सहपाठियों के सहयोग से मूल्यांकन होगा या शिक्षक के द्वारा किया जाएगा, यह सब का वर्णन किया जाएगा।
इसमें छात्र कैसे अपने अधिगम क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे इसके बारे में लिखा जाएगा, और इसके साथ साथ उन प्रश्नों को भी रखने की कोशिश की जाएगी जिससे कि वह यह दिखा सकें कि उन्होंने पाठ के अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त किया है। इस प्रकार हमने 5E आधारित प्रारूप को देखा है, पाठ योजना को देखा है। अब हम एक उदाहरण गणित के क्षेत्र से एक उदाहरण देखकर इस पाठ योजना को और बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। आप आगे की स्लाइड में देख सकते हैं, इसमें प्रशिक्षु का नाम, दिनांक ये सब रखा जाएगा। इसमें हमने विषय गणित रखा है जिसका जो कि हमारे चर्चा का विषय है, और इसमें जो शीर्षक या जिस प्रसंग पर पाठ योजना तैयार की गई है वह है घनाप का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यह कक्षा 7 के लिए बनाया हुआ पाठ योजना है। इसमें जो मुख्य संकल्पनाएं विकसित किए जाने वाली प्रक्रिया कौशल इत्यादि हैं वो हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पाठ के उद्देश्य क्या हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि पाठ के उद्देश्य में क्या लिखा है। पाठ के अंत में छात्र घनाप का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात कर पाएंगे, और इसका इस अधिगम का उद्देश्य यह भी होगा कि घनाप का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से जुड़े प्रश्नों का छात्र हल भी कर सकेंगे। अब शिक्षण सहायक सामग्री में हम क्या लेंगे इसका भी उल्लेख किया गया है। इसमें हमने घन तथा घनाप के मॉडल, चार्ट पेपर, कैंची, स्केल इत्यादि का लिखा है। इसके पश्चात विभिन्न शिक्षण आवश्यकता को पूरा करने के लिए सुझाई गई युक्तियों में हमने लिखा है कि छात्र आपस में समूहों में काम कर अधिगम करेंगे। इसके पश्चात 5E मॉडल के विभिन्न चरणों का उल्लेख है जो कि इस पाठ के संदर्भ में या इस शीर्षक के संदर्भ में हम क्या क्या करेंगे इन चरणों में इसके बारे में लिखा जाएगा। आप देख सकते हैं स्लाइड में एंगेज चरण में क्या किया जाएगा। छात्रों को घन एवं घनाप के मॉडल दिए जाएंगे और उन्हें उनका अवलोकन करने के लिए कहा जाएगा। छात्रों से घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाएगा क्योंकि वो उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित है। इस प्रकार घनाप के पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाएगा। इसके पश्चात आप देख सकते हैं एक्सप्लोर चरण में क्या लिखा गया है। छात्र घनाप के विभिन्न तलों का अवलोकन करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि उनमें कितने तल हैं, तलों की लंबाई चौड़ाई कैसी है। शिक्षक छात्रों के रंगीन पेपर, कैंची इत्यादि देते हुए उनसे पेपर फोल्डिंग द्वारा घनाप के पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा एवं उसका सूत्र निकालने के लिए भी उन्हें प्रेरित किया जाएगा। छात्र विभिन्न समूह में कार्य करते हुए घनाप के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र को ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो अन्वेषण के चरण में छात्र घनाप के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए शिक्षक ने उन्हें कुछ सहायक सामग्री भी प्रदान की है, तो वो समूह में काम करते हुए उस घनाप के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कि व्याख्या के चरण में यहाँ क्या लिखा गया है। व्याख्या में हम पाते हैं कि छात्र समूह में कार्य करते हुए पेपर फोल्डिंग गतिविधि के द्वारा घनाप के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र निकालेंगे। छात्र समूह में पूरी कक्षा के सामने घनाप के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र को उन्होंने कैसे ज्ञात किया इसको प्रस्तुत करेंगे, अर्थात वो अपनी समझ को, अपनी अवधारणा को कि उन्होंने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को जाना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को उन्होंने कैसे निकाला है, उसके सूत्र को उन्होंने कैसे निकाला यह बताने की कोशिश करेंगे। छात्र किसी दिए गए घनाप के लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को जानते हुए उससे घनाप के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना को भी दर्शाएंगे, अर्थात वह विभिन्न प्रश्नों का हल करते हुए यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि वे घनाप के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। छात्र घनाप के पृष्ठीय क्षेत्रफल से जुड़े प्रश्नों को हल करेंगे और इससे वह यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि उनकी इस अवधारणा पर पकड़ कितनी अच्छी है। इसके पश्चात इलाबोरेट चरण को आप देख सकते हैं जो कि आपको सामने दिख रहा है। छात्र घनाप के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को जानने के पश्चात उन्हें
इस प्रसंग से जुड़े विभिन्न अधिगम परिस्थितियों में प्रयोग करेंगे, जैसे कि अगर एक घनाभ जिसकी ऊपरी सतह खुली हुई है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, इस परिस्थिति में वे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ वे एक और प्रश्न जिसका जिक्र किया गया है कि एक घनाभ जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं लंबाई चौड़ाई दी गई हो तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी, इसका पता करेंगे। इस प्रकार के विभिन्न परिस्थितियों को उत्पन्न करके उनसे यह जानने का प्रयास किया जाता है कि वह अपने अधिगम का दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में या दैनिक जीवन में गणित से जुड़े प्रश्नों में प्रयोग कर सकते हैं या नहीं। इसके पश्चात हम मूल्यांकन के चरण को देखते हैं। छात्रों के मूल्यांकन उनको वास्तविक या प्रत्यक्ष कार्यों जिसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रयोग किया जाए को देकर कर सकते हैं। छात्रों का मूल्यांकन उनके अधिगम प्रक्रिया का अवलोकन करके भी किया जा सकता है, अर्थात वे समूह में कैसे काम कर रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं या नहीं, अपनी समझ को सबके सामने रख रहे हैं या नहीं। इसके साथ साथ उन्हें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल से जुड़े हुए विभिन्न प्रश्न पूछकर भी उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रारंभिक स्तर पर 5P पर आधारित अनुदेशन प्रतिमान हमारे शिक्षण की प्रक्रिया को कितनी ज़्यादा छात्र केंद्रित एवं प्रभावकारी बनाता है। शिक्षक का कर्तव्य है कि वह गणित के विभिन्न पाठ्य वस्तुओं का चुनाव कर उसे 5P आधारित अनुदेशन के द्वारा बच्चों तक पहुँचाए। अवश्य ही इस अनुदेशन प्रक्रिया में बच्चों में गणित के प्रति बेहतर रुझान एवं समझ का विकास होने की संभावनाएं हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम लोगों ने प्रारंभिक स्तर पर गणित शिक्षण के 5P आधारित अनुदेशन प्रतिमान पर चर्चा की। हमने इस अनुदेशन प्रतिमान के विभिन्न चरणों को देखा, समझा और इन चरणों में किस तरह से अधिगम का निर्माण होता है उसे जानने की कोशिश की। हमने 5P आधारित अनुदेशन प्रतिमान पर पाठ योजना के प्रारूप को भी देखा और हमने एक उदाहरण लेके यह जानने की कोशिश की कि 5P आधारित अनुदेशन को कैसे सफल बनाया जा सकता है। आशा है आप लोग 5P आधारित अनुदेशन प्रतिमान को भली भांति समझे हैं और आने वाले समय में अपनी कक्षाओं में इसका प्रयोग करके लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।